मॉर्निंग हम अध्याय 14 में जिसका नाम है सांख्यिकी उसमें हम आंकड़ों का अध्ययन कर रहे थे और कैली चिन्ह सारणी को कैसे बनाना है, संचयी बारंबारता क्या होती है इसके बारे में आगे और इम्पोर्टेंट सवालों को करेंगे। इसमें देखेंगे आंकड़ों का ग्राफी निरूपण, सवाल को देखते हैं। एक कंपनी एक विशिष्ट प्रकार की कार बैटरी बनाती है, इस प्रकार 40 बैटरियों के जीवन काल किए गए। 40 बैटरियों के जो है ये आंकड़े दिए गए हैं। 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से लेकर 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाना। ठीक, क्वेश्चन दिया है कि 2.0 से 2.5 के जो है लिमिटेशन लेनी है। ठीक, तो पहला लिखते हैं 2.0 से 2.5। अब इस जो है आंकड़े इनमें देखते हैं कि 2.0 से शुरू और 2.5 के पहले कितने बार जो है वो बारंबारता आई है। ठीक, तो 2.5 एक ये है और 2.0 यानी 0.5 के पहले जो आएगी संख्या वो होगी 2.3। देखिए ये कितनी संख्या हुई, 2 संख्या, तो बारंबारता कितनी हुई, 2। इसी प्रकार 2.5 से शुरू करेंगे और 3.0। ठीक, तो 2.5 के बाद से संख्याओं को गिनेंगे तो आएगी 2.6, फिर 3.2, 2 की सीरीज देखेंगे 2.9, फिर 2.8, 2.6। तो ये सीरीज कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, एक और संख्या जो है ये छूट रही है, तो ये हो जाएगी 2.9। ठीक है, ये 3 के अंतर्गत आएगी। इस प्रकार कितनी बार बारंबारता हुई, 6। ठीक, इसी प्रकार 3.0 से लेकर 3.5 तक की जो है आंकड़े देखेंगे। तो 3.0 से शुरू करेंगे तो आ जाएगा 3.0, 3.4, 3.2। ठीक, इसी प्रकार गिनेंगे तो 14 जो है वो संख्याएं आएंगी। ठीक, इसी प्रकार 3.5 से चालू करेंगे और 4.0 तक की बारंबारता 11 होंगी। 4.0 से शुरू करते हैं, 4.5 के बीच की बारंबारता 4 होगी, 4.5 से 5 के बीच की बारंबारता 3 होगी। अब इन बारंबारताओं को ऐड करेंगे या जोड़ेंगे, जोड़ने पे कुल आंकड़े जो है क्या आएंगे, 40। तो ये कहलाती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों ये देखते हैं कि आंकड़ों का आलेखीय निरूपण क्या होता है। सारणियों से आंकड़ों का निरूपण करने के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए अब हम आंकड़ों के अन्य निरूपण अर्थात आलेखीय निरूपण मींस ग्राफिकल मेथड की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्रायः अलग अलग मदों की तुलनाओं में ग्राफ की सहायता से अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता है, तब वास्तविक आंकड़ों की तुलना में इस निरूपण को समझना अधिक सरल हो जाता है। अब आलेखीय जो निरूपण है इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला जो है सेकेंड और तीसरा, पहला आता है इसमें दंडात्मक
दंड आलेख बार ग्राम दूसरा आता है बारंबार का बहुभुज बहुभुज इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम तीसरा आता है एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाई वाले आयत चित्र इसको कहते हैं हिस्टोग्राम्स ठीक तो ये तीन प्रकार हुए आंकड़ों के आलेखीय निरूपण में अब बात करते हैं इसमें पहला है दंड आलेख पिछली कक्षाओं में आप दंड आलेख का अध्ययन कर चुके हैं और उन्हें बना भी चुके हैं यहाँ हम कुछ औपचारिक दृष्टिकोण से इन पर चर्चा करेंगे कि दंड आलेखों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्रायः एक अक्ष ले लीजिए एक्स अक्ष और एक चर को प्रकट करते हैं और एक समान चौड़ाई के दंड आलेख के बीच की दूरियां छोड़ी जाती हैं चर के मान दूसरे अक्ष मान लीजिए वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं देखिए दो अक्ष होती हैं दंड आलेख में एक एक्स अक्ष दूसरी अक्ष होती है वाई जिसमें समान दूरियां लेके दोनों अक्षों को दर्शाया जाता है एक उदाहरण दंडों की ऊंचाइयां ले रहे हैं हम तो एक उदाहरण से आपको समझ आएगा कि एक जो है नौवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उसके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया जाता है तो पहले ले लेंगे जन्म के महीने तो यह आ जाएगा एक्स ग्राफ एक्स अक्ष पे ठीक है इसको दर्शाएंगे दूसरा विद्यार्थियों की संख्या को वाई अक्ष पर दर्शाएंगे वाई अक्ष बनेगा ऊर्ध्वाधर आ जाएगा संख्या ये हो गया अब ऊपर दिए गए आलेखों को देखकर जो है प्रश्न के उत्तर दीजिए अब यहाँ जन्म के महीने बच्चों आपको भी मालूम है कि जनवरी से शुरू करेंगे जनवरी फरवरी मार्च ठीक है इसी प्रकार अप्रैल मई जून जुलाई और पूरे दिसंबर तक लिखेंगे मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर ठीक तो ये आप कहलाएंगे 12 माह दिसंबर अब संख्याएं देखेंगे कि नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म हुआ ठीक है तो इसमें संख्या दे देंगे देखिए एक दो तीन चार पांच अब इसमें पूछा है नवंबर के महीने में ठीक है तो नवंबर महीना ये कहलाएगा नवंबर का महीना तो नवंबर के महीने में ये कितने बच्चों की संख्या आ गई यहाँ पे अक्षरों को हमने देखा तो ये आ गया तीन तो यहाँ छात्रों की संख्या कितनी हुई जो है तीन हुई ठीक है और महीना कौन सा हुआ नवंबर ठीक है तो बच्चों इस प्रकार के दंड आलेख बनाने हैं क्वेश्चन है एक एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 है
देखिए, एक परिवार जिसकी मासिक आय 20,000 रुपए विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई। मद दिए गए हैं ग्रोसरी, किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन और विभिन्न। इनके खर्च जो है वो दिए गए हैं कि ग्रोसरी में जो है 4,000 का खर्च है, किराया 5,000, शिक्षा 5,000, दवाइयाँ 2,000, ईंधन 2, मनोरंजन 1,000 और विविध 1,000। ठीक है, इन आंकड़ों का एक दंड आलेख बनाना। ठीक है स्टूडेंट, तो हम कैसे बनाएंगे दंड आलेख? बनाने के लिए हमको दो अक्षों की आवश्यकता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और एक अक्ष में मद आएंगे और दूसरे अक्ष में जो खर्च है उनकी संख्याओं को सेट करके लिखना पड़ेगा। देखिए, तो अब दंड आलेख कैसे बनाएंगे? सबसे पहले बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये दो अक्षों की आवश्यकता होगी। इसमें मदे आएंगी एक्स अक्ष पे, ये रही एक्स अक्ष, मदे लिखेंगे इसमें और बिल्कुल वर्ग अंतराल लेके लिखेंगे इस प्रकार रखे। अच्छा, ग्रासरी, किराया, शिक्षा, शिक्षा, दवाइयां, फिर उसके बाद ईंधन, मनोरंजन और विवेक और विवेक। ठीक, ये सारे आ गए आपके एक्स अक्ष में। अब जो खर्चे हैं वो 1,000 रुपये में आएंगे। 1,000 रुपये में आने के लिए सबसे पहले आंकड़े शुरू करेंगे हम एक से, 1,000 से शुरू करेंगे, 2, 3, 4, 5 और ये 6,000। ठीक है, इस प्रकार ये संख्या होगी। आगे देखिए, अब ग्रासरी है, देखते जाएंगे है, तो जो है वो है 4,000 रुपये। तो बच्चों देखो, 4 जो है संख्या वो, 4 जो है वो ये रही, तो ग्रासरी और ये 4, इस प्रकार ये आपका दंड आलेख तैयार होगा। ठीक है, ये हो गया ग्रासरी का 4। ठीक, आप दूसरा देखेंगे कि उसके बाद किराया जो है वो 5 और बच्चों की शिक्षा ये भी 5। ठीक है, तो 5,000 जो है वो ये देखिए, 5,000 के लिए हम ये 5,000 हो गया, यहां से इसको इस प्रकार आलेख बनाएंगे। और शिक्षा ये भी सेम है, 5,000 रुपये में है कि किराया और ये शिक्षा का आलेख बना। फिर उसके बाद बनेगा दवाइयों का, दवाइयों के लिए कितना है 2,000 रुपये निश्चित है, तो दवाइयां और ईंधन के लिए, तो ये हो गया दवाइयां, ईंधन। ठीक, अब मनोरंजन विविध के लिए 1,000 फिक्स है। तो बच्चों देखिए, 1 आ है, 1 इस प्रकार से ये होगा। ठीक है, यह आ गया आपका 4,000, 5,000 ये भी आ गया, 5,000, फिर ये आ गया 2,000 और फिर ये आ गया 1,000 और 1,000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार ये जो है दंड आलेख पूरा हुआ। आप यहाँ एक दृष्टि में आंकड़ों के सापेक्ष अभिलक्षण सरलता से देख सकते हैं कि ग्रासरी पर किया गया खर्च दवाइयों पर किए गए खर्च का दोगुना है। ठीक है, तो और ये आंकड़ों का एक क्या उत्तम निरूपण है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने एक जो है इसका डेमो सीखा कि ग्राफ को कैसे बनाना है। कल हम आपको इसके बारे में जो ग्राफी निरूपण है, ग्राफिकल जो है, उस हिसाब से आपको बताएंगे और ग्राफ बनाना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।